रमज़ानुल मुबारक के आने का इंतज़ार जहां हम और आप करते हैं, वहीं कब्र में सो रहे मुर्दे भी करते हैं। हम और आप रमज़ान की आमद का इंतज़ार क्यों करते हैं, आप सभी को मालूम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चांद देखते तो दुआ पढ़ते कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह रजब और शाबान में बरकत नाजिल फरमा, खैर पैदा फरमा और मुझे रमज़ान के मुकद्दस महीने तक पहुंचा। और क्यों ना रमज़ान की आमद का इंतज़ार हो कि जिस महीने में अल्लाह तबारक व ताला की रहमत नाजिल होती है, रमज़ान के मुकद्दस महीने में अल्लाह तबारक व ताला शर का जिन्नातों को और शयातीन को बेड़ियों में जकड़ देती हैं, रमज़ान के मुकद्दस महीने में अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं और जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। क्यों ना रमज़ान के मुकद्दस महीने का हम इंतज़ार करें कि जिस रमज़ान के मुकद्दस महीने में अल्लाह तबारक व ताला कब्र में सो रहे मुर्दों पर भी रहमत का नुज़ूल फरमाते हैं। हदीस है कि वलिल्लाहि उतका मिनन्नार ज़ालिका कुल्लु लैल, कि रमज़ान के मुकद्दस महीने में हर रात ना जाने कितने जहन्नमियों को आज़ादी का परवाना सुना दिया जाता है, जहन्नमियों को आज़ाद कर दिया जाता है। जो आज़ाब कब्र में मुबतला होते हैं उनसे आज़ाब कब्र को हटा दिया जाता है। तो जब जिंदों पर रमज़ान के मुकद्दस महीने में रहमत नाजिल होती है तो जिंदे रमज़ान की आमद का इंतज़ार करते हैं, तो कब्र में सोने वालों पर भी रमज़ान के मुकद्दस महीने में रहमतें नाजिल होती है, अजाब कब्र को उनसे हटा दिया जाता है, तो सोने वाले मुर्दे भी कब्र के अंदर रमज़ान के मुकद्दस महीने के आने का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, रमज़ान मुबारक दीगर जितने महीने हैं, 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में सबसे ज़्यादा अजमत, फजीलत और अहमियत वाला महीना रमज़ान का मुकद्दस महीना है। रमज़ान के मुकद्दस महीने में अगर आप एक नफल काम कीजिएगा, नफल नमाज पढ़िएगा, तो उस नफल नमाज का सवाब फ़र्ज नमाज पढ़ने का सवाब के बराबर आपको मिलेगा। और अगर कोई शख्स फ़र्ज नमाज रमज़ान के मुकद्दस महीने में अदा करेगा तो रमज़ान की बरकत इस कदर है कि एक फ़र्ज आप रमज़ान में पढ़िए, 70 फ़र्ज पढ़ने का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके खाते में डाल देगा। तो रमज़ान मुबारक अजमत, फजीलत और अहमियत वाला महीना है, इसलिए रमज़ान के मुकद्दस महीने का इंतज़ार हमें और आपको भी होता है और कब्र में सोने वाले मुर्दों को भी होता है। जब रमज़ान का मुकद्दस महीना हमें और आपको मिले तो उस महीने की कदर करें, उस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, उस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरान करीम की तिलावत करें। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को रमज़ान के मुकद्दस महीने तक पहुँचाए और उस महीने की कदर करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Qasmi.